हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एंड यू आर वॉचिंग के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो आज की वीडियो में हम डील करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास में अगर स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो आज डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उससे आप ग्रेवाल साहब की अकाउंटेंसी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ रियली अ ग्रेट थैंक्स टू मिस्टर ग्रेवाल फॉर प्रोवाइडिंग द बुक फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस लिंक को आप क्लिक करें और बुक डाउनलोड करें और चाहे जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें इस लॉकडाउन के पीरियड में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको पिछले वीडियोज़ में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो दोबारा से आप वीडियो को देखें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। So Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2019. Their capital contribution were rupees 2 lakhs and rupees 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows: interest on capital at the rate of 10% per annum, salary to Amit rupees 2000 per month and Vijay rupees 3000 per month. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 2,16,000. Interest on drawings amounted to rupees 2,200 and Amit rupees 2,500. Interest on drawing directly question mein calculate karke de diya gaya hai. Drawings were for Amit rupees 22,000 and Vijay rupees 25,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. To ek ek karke hum dono statements banayenge. So, question has the information that is Amit and Vijay are partners in the ratio of 3:2. Capitals of rupees 2 lakhs and rupees 1,50,000. The interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. Interest on drawings, rupees 2200 and rupees 2500. जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई हो मैं उसको एक बार आपके सामने लिख रहा हूं, जिससे कि जब मैं उसको स्टेटमेंट में एंटर करूं तो आपके लिए इजी रहेगा। सैलरी टू अमित रुपीज 24,000, फिर 2,000 पर मंथ लिखा था तो ईयरली तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम ले आएंगे, एंड रुपीज 36,000 फॉर विजय। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर रुपीज 2,16,000। ये टोटल इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। शुरू करते हैं बाय, ओके, दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, ठीक है, टॉप में डेट आ जाएगा। बाय प्रॉफिट and loss account, net profit brought down कितना, rupees 2,16,000। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दे रखी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यहीं पे आएगा आपका क्रेडिट साइड पर, बाय, और लैंग्वेज को आप पर्टिकुलर ध्यान दीजिए किस तरह की टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं स्टेटमेंट में, वो फिक्स है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट फॉर अमित फॉर विजय रुपीज 2,200 एंड रुपीज 2,500, टोटल रुपीज 4,700। क्लियर। अब आते हैं हम जो आइटम्स हमें अप्रोप्रिएट करनी है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फॉर अमित एंड विजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल्स। हमें याद होगा कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल जब भी कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट करते हैं। सो दे स्टार्टेड देयर बिजनेस विद ₹2 लाख एंड 1,50,000, सो इट विल बी ऑब्वियसली देयर ओपनिंग कैपिटल्स। सो 10% ऑफ दैट ₹20,000 एंड ₹15,000, टोटल ₹35,000 इन द आउटर कॉलम। क्लियर है? आफ्टर दैट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बिकॉज सैलरी भी हमें दोनों को देना है, सैलरी भी दोनों को देना है। सो अमित एंड विजय ₹24,000 एंड ₹36,000, टोटल ₹60,000 इन द आउटर कॉलम। क्लियर? तो देखिए, इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग हो गया, सैलरी भी हो गया। अब बचा क्या? द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, विजय's कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना बचता है हमारे पास में? सो लेट अस टेक आउट द बैलेंसिंग फिगर। वी हैव द टोटल ऑन द क्रेडिट साइड एज 10, 0 एंड 1, 2,20,700, एंड दैट शुड बी द सिमिलर टोटल ऑन द डेबिट साइड, 2,20,700 एंड 2,20,700 में से हम डिडक्ट करेंगे द आइटम्स ऑन द डेबिट साइड, दैट इज ₹95,000, सो वी विल लेफ्ट विद 0,075 एंड 11 माइनस 9, 2 एंड 1, 1,25,700 एंड दिस 1,25,700 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमित एंड विजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। क्लियर? सो इसको डिवाइड करते हैं। सो वी हैव फॉर विजय ₹50,280 एंड फॉर अमित वी विल बी हैविंग 75,420। सो 75,420 एंड 50,280 टोटल इन द आउटर कॉलम एज ₹1,25,700। हेयर एंड्स अप आर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स लिखा, इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउ किया, सैलरी टू द पार्टनर अलाउ किया, और फाइनली जो हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट बचा था, ये जो अमाउंट होता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट बचा था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2 में अमंग अमित एंड विजय, 3:2 में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन को एक बार दोबारा से देख लीजिए और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है,
तो हम यही सपोज करके चलते हैं दैट द पार्टनर्स आर फॉलोइंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सो वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो हम करंट अकाउंट बनाते. ठीक है, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आपका सबसे पहला काम होना चाहिए टू मेंशन द ओपनिंग बैलेंसेस, द कैपिटल बैलेंसेस, द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी हैविंग द क्रेडिट बैलेंसेस. सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑन द ओपनिंग डेट दैट इज 2019 अप्रैल 1st विल मेंशन द balances as they had started the business on this particular date. So we'll mention by bank account rupees 2 lakh and rupees 1,50,000. Agar ye purana business hota to yahi pe hum language kya use karte, by balance brought down. Lekin kyunki inhone is date pe business start kiya tha, so humne language use kiya by bank account. Ab ek baat, bahut sare students confused rehte hain ki sir डेट का कॉलम कब बनाना है और कब नहीं बनाना है. तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया, सो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने टॉप पे डेट लिख दिया तो यहां पे डेट के कॉलम की जरूरत नहीं थी. ठीक है, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो उस पर टॉप पे तो डेट नहीं आती है, प्लस जो यहां पे हम आइटम्स लिखेंगे वो डिफरेंट अलग अलग डेट्स पे हो सकते हैं, तो इस वजह से हमने यहां पे डेट का कॉलम बनाया है. ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स हमने लिख दिए. अब वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू ए पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये क्रेडिट साइड है. ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आइटम हमने डेबिट में लिखी है, क्या क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट. ये तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट, ये तीन चीजें जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखी है, ये तीन आइटम हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. तो शुरू करते हैं, और कौन सी डेट पर, क्लोजिंग डेट पर. क्लोजिंग डेट हमारी 2020 मार्च 31st. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट रुपीज 20,000 फॉर अमित एंड रुपीज 15,000 फॉर विजय. अगेन मार्च 31st by partners salary account rupees 24,000 for Amit and rupees 36,000 for Vijay. Lastly the share of profit, so by profit and loss appropriation account rupees 75,420 for Amit and rupees 50,280 for Vijay. हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले. ठीक है, बात आती है डेबिट साइड के लिए. तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एक आइटम है जो क्रेडिट में लिखा था, और ये आइटम जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में. सो 2020. अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो हम इसे ले लेते हैं. जो पार्टनर्स ने मनी विड्रॉ किया है वो भी डेबिट साइड पे आएगा. ठीक है, तो शुरू कहां से करेंगे हम, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट. भाई सीधा सा लॉजिक है, ये हम कैपिटल बिजनेस में लेके आए तो जो कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ होगा वो अपोजिट साइड पे आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको याद होगा, क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं कि ड्रॉइंग्स उसमें गिवन है कितनी, 22,000 एंड रुपीज 25,000 फॉर विजय. ठीक है, उसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट टू थाउजेंड टू हंड्रेड क्वेश्चन में गिवन था अमाउंट हमें कैलकुलेट करके, एंड 2,500. एंड लास्टली हम कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
द कैरेट डाउन बैलेंसेज ऑफ द पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेम मेथड जो हमें क्लास 11th में समझा था लेजर अकाउंट्स के टोटलिंग और बैलेंसिंग से रिलेटेड, वही सेम मेथड हमें फॉलो करना है. सो एज अ बैलेंसिंग फिगर टोटल तो आ रहा है क्रेडिट साइड का 2,51,280 और इसमें से जब हम डेबिट के आइटम्स लेस करते हैं तो हमारे पास में आएगा कितना, रुपीज 2,23,780 एज अ बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ विजय. एंड फॉर अमित विल बी हैविंग रुपीज 2,95,220 एज बैलेंस कैरेट डाउन. दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके सॉल्यूशन एक बार देखें, अच्छी तरह से समझें. कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, और अब हमारा फेवरेट वर्क क्या, ऑब्वियसली होमवर्क क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 गिवन ऑन पेज नंबर 2.86 ऑफ द बुक यू हैव टू सॉल्व. इस बुक को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट.